आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1993 में जो पर्यटन स्लोगन था वो राजस्थान का था, पधारो म्हारे देश। 2008 में क्या किया सरकार ने, इसको बदल कर कलरफुल राजस्थान कर दिया था। उसके बाद 2016 में सरकार ने इसका जाने क्या दिख जाए ये स्लोगन कर दिया। उसके बाद 2019 में सरकार ने वापस स्लोगन 1993 वाला कर दिया, कौन सा, पधारो म्हारे देश, जो कि सबसे अच्छा भी है। तो 1993 में यही था, 8 में बदला, फिर 16 में बदला, और फिर 19 में दोबारा वही कर दिया, 1993 वाला, 2019 में। एक तो ये पता होना चाहिए हमें। इसके बाद हमें कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जो हनुमानगढ़ है, इसमें दो टाइप की सभ्यताएं हैं, कालीबंगा और पीली बंगा। उदयपुर में अगर देखें तो आहड़ सभ्यता है, जयपुर में बैराट सभ्यता, सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। ये प्रसिद्ध हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ स्थल हैं वो हमें पता हो, कुछ किलों के बारे में, जैसे कि जयपुर में क्या है, हवा महल बना हुआ है, आमेर का किला है, जंतर मंतर है, चित्तौड़गढ़ में क्या है, विजय स्तंभ बना हुआ है, विक्ट्री टावर, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला है, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला है, और झालावाड़ में गागरौन का किला है। जयपुर और उदयपुर में दो जगह का क्या है, सिटी पैलेस भी बने हुए हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो ये फेमस जो चीज़ें हैं, जगह हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें पर्यटन स्थल, जैसे कि उदयपुर में जैसमंद झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है। इसके बाद अगर हम देखें सिरोही माउंट आबू में नक्की झील है, पुष्कर झील अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ में एक मेनाल जलप्रपात है, वाटरफॉल है, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, नाम क्या है, मेनाल। इसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा सवाई माधोपुर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अलवर में है। केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ धार्मिक पर्यटन स्थलों की। जैसे कि पुष्कर अजमेर में क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, जैसलमेर में राम देवरा है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, स्वाई माधोपुर में श्री महावीर जी का मंदिर है, पाली में रनकपुर है, सिरोही में देलवाड़ा जैन टेम्पल्स हैं, नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, कोलायत बीकानेर में कपिल जी का मंदिर है, और उदयपुर में ऋषभदेव जी का मंदिर है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई। आरटीडीसी क्या है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, आरटीडीसी, इसकी स्थापना हुई है 1978 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, जयपुर में है, किसका, आरटीडीसी का। नेक्स्ट है रिटमैन। रिटमैन क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कब हुई है, 1996 में, कहाँ से, जयपुर में हुई इसकी स्थापना। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि उदयपुर में क्या बनाया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, ये कहाँ पे बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान की कुछ पर्यटन नीतियां हैं, तो पहली पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? 2001 में की गई। दूसरी पर्यटन नीति की घोषणा 2007 में। तीसरी पर्यटन नीति की घोषणा 2015 में की गई है। तो ये तीनों पता होने चाहिए, 2001, 2007 और 2015। नेक्स्ट बात करते हैं, बस हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखना है इसमें, और कुछ नहीं है। राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1950 में। और यह जो विभाग है वो एक पत्रिका क्या करता है? प्रकाशित करता है। और उस पत्रिका का नाम क्या है? रिसर्चर। रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्चर उस पत्रिका का नाम है। पुरातत्व विभाग जो क्या करता है, जारी करता है। स्थापना कब हुई इसकी? 1950 में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि आयुर्वेद गांव कहां पे बनाए जाएंगे। तो उदयपुर में कैलाशपुरी व हवाला जो गांव हैं, और जोधपुर के निकट क्या बनाए जा रहे हैं? आयुर्वेद गांव बनाए जाएंगे। इसके बाद पुष्कर अजमेर, हवाला गांव उदयपुर और स्वाई माधोपुर जो है, और साथ में जो पाल जोधपुर है, वहां पे क्या किए जाएंगे? शिल्प ग्राम स्थापित किए जाएंगे या किए गए हैं। तो ये पता होना चाहिए लेटेस्ट आंकड़ा। राज्य का अगर पूछ लिया जाए पहला रोपवे कहां से कहां था और कब स्थापित किया, कितने मीटर का लंबा था? तो रोपवे था ये 800 मीटर लंबा, बीनमाल जालोर से लेकर सुंडा पर्वत तक जाता था ये, और 2006 में इसका प्रारंभ किया गया। 2006 में हुआ है प्रारंभ, बीनमाल जालोर से लेकर सुंडा पर्वत तक बना हुआ है। 800 मीटर लंबा क्या है ये? रोपवे है, जो राजस्थान का है पहला। अगर पूछ ले राजस्थान का दूसरा, तो उदयपुर में पंडित दीनदयाल पार्क से माचला मगरा तक स्थित करणी माता का जो मंदिर है वहां तक बना हुआ है ये। 2008 में इसका प्रारंभ किया गया और इसकी जो लंबाई है वो है 387 मीटर, 387 मीटर लंबा दूसरा रोपवे है, उदयपुर के दीनदयाल पार्क से लेकर माचला मगरा में स्थित करणी माता के मंदिर तक जाता है ये। तीसरा रोपवे अगर देखें तो सावित्री माता मंदिर अजमेर पर 700 मीटर लंबा ये बनाया गया है। इसका प्रारंभ किया गया है 2016 में, पहला 2006 में, दूसरा 2008 में और तीसरा ये है 2016 में। पहला कहां से कहां है? बीनमाल जालोर से सुंडा पर्वत, दूसरा उदयपुर के दीनदयाल पार्क से लेकर करणी माता मंदिर माचला मगरा तक, और तीसरा सावित्री माता मंदिर अजमेर पर बनाया गया है। पहला है कितने लंबा? 800 मीटर लंबा, दूसरा 387 मीटर लंबा और तीसरा है 700 मीटर लंबा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला और देश का जो चौथा हैंगिंग ब्रिज है वो कहां पे बनाया गया है, झूलता हुआ पुल, तो कोटा में चंबल नदी पर इसको बनाया गया है, जो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, जिसका उद्घाटन कब किया गया? 2017 में मोदी ने किया था उदयपुर में, इसका बटन दबाकर उद्घाटन किया। वर्तमान में जो चार जो हैं वो पर्यटन संभाग हैं वो हमें पता होने चाहिए। एक तो जोधपुर है, दूसरा उदयपुर है, तीसरा कोटा है और चौथा है अजमेर। तो ये चार क्या हैं? पर्यटन संभाग हैं। राजस्थान की अगर प्रमुख सफारियां अगर देखें तो कहां कहां की हैं? बैलून सफारी है बूंदी की, लॉयन सफारी है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर की, कैमल सफारी समगाम जैसलमेर की है, टाइगर सफारी रणथंबोर स्वाई माधोपुर और सरिस्का अलवर की है, हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर की है, विस्कल सफारी केवलादेव भरतपुर की, एलिफेंट सवारी आमेर जयपुर की,
वाटर सफारी चंबल नदी कोटा और डंकी सफारी शेखावटी क्षेत्र की है, तो ये सफारी हमें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए देश में कुल कितनी सौर वेधशालाएं हैं, तो 5 सौर वेधशालाएं हैं, और सबसे बड़ी कौन सी है जयपुर की, सबसे पहली कौन सी है दिल्ली की। 5 कौन कौन सी हैं, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। किसने बनाया था, आमेर का राजा था स्वाई जय सिंह सेकंड, आमेर के राजा स्वाई सिंह सेकंड ने यहाँ पे क्या बनाया है, वेधशालाओं का निर्माण किया, दिल्ली की सबसे पहली और सबसे बड़ी कहाँ पे है, जयपुर की। नेक्स्ट, जो कालबेलिया नृत्य है इसको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, कब किया, 2011 में। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है इसकी, गुलाबो। ठीक है, एक हमें पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने 2013 को 21 जून को 6 जो किले हैं उनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। अब वो कौन कौन से 6 किले हैं, उसकी ट्रिक क्या है, चीकू, गाजर व आम खाकर सोना चाहिए। तो चीकू में क्या है, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गाज से गागरौन दुर्ग, आम से आमेर और सोना से सोनारगढ़। तो ये 6 किले हैं जिसको यूनेस्को ने किसमें शामिल किया है, विश्व धरोहर की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कातन बावड़ी कहाँ पे है, तो कातन बावड़ी है ओंसिया जोधपुर में, राणा जी की बावड़ी बूंदी में है, फ्रेस्को पेंटिंग शेखावटी की है, हाड़ा रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उदयपुर में 2017 को किसका अनावरण किया गया, तो एक बील राणा पुंजा था जिसकी 13 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो उदयपुर में लगाई गई है, जिसका 5 जून 2017 को क्या किया है, अनावरण किया गया है। 2017 को किया है किसका, राणा पुंजा का, 13 फुट ऊंची क्या है इनकी प्रतिमा वहां पे लगाई गई है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसको कहते हैं, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को, ये पता होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में कहाँ पे स्मारक बनाया जा रहा है, तो दानक्या गांव जयपुर में। नेक्स्ट पता होना चाहिए कि मीराबाई का जो गुरु था रैदास, उसका स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, तो चित्तौड़गढ़ में, याद रखना है। और मीरा वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा, मीरा वाटिका खानवा में, खानवा में क्या किया जाएगा, मीरा वाटिका का निर्माण। और रैदास का स्मारक कहाँ पे बनेगा, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा या टैक्स पर्यटन के अकॉर्डिंग कहाँ से मिलता है, तो आमेर महल से सबसे ज्यादा रुपया मिलता है राजस्थान को। देश का जो तीसरा और राज्य का जो पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर है वो कहां पे बनेगा, तो जोधपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आरटीडीएस द्वारा संचालित नौकायन सुविधा, मतलब जो आरटीडीसी है, आरटीडीएस है जो गवर्नमेंट सरकार है, ये नौकायन सुविधा देती है, कहां कहां पे है, उदयपुर की फतेह सागर झील में, अलवर की सीलीसेड झील में, जोधपुर की कायलाना झील में और माउंट आबू की नक्की जो झील है, ये 4 जिलों में जो नौकायन सुविधा है वो आरटीडीएस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि देश की पहली भू विरासती स्थल मतलब जियो हेरिटेज साइट किसको बनाया जाएगा, तो रामगढ़ क्रेटर 12 को, रामगढ़ जो 12 है उसको क्या बनाया जाएगा, जियो हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में राज्य मेला प्राधिकरण का गठन हुआ और उसने कितने मेलों को पंजीकृत किया है, तो 42 मेले आते हैं जिनको हमने अब वन बाय वन पढ़ना है, कौन कौन से मेले लगते हैं जहाँ पे पर्यटन से
वो वहां पे आते हैं लोग, तो हमें वो पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम क्या देखते हैं, 42 मेलों को देखते हैं। सबसे पहला मेला आता है खाटू श्याम जी का मेला, जिला कौन सा है, सीकर है। जीन माता का मेला, सीकर। श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला, भरतपुर। पूंछरी का मेला, भरतपुर। ग्रीष्मकालीन नवरात्रा मेला, भरतपुर। शारदीय नवरात्रा मेला, भरतपुर। लोहारगल मेला, झुंझुनू। बाबा रामदेव मेला, झुंझुनू। हजरत हाजीब शक्करबार मेला, झुंझुनू। पंडित गणेश नारायण मेला, झुंझुनू। बाबा सुंदरदास मेला, खेतड़ी, झुंझुनू। शेखावटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला, झुंझुनू। वीर बिग्गा जी का मेला बीकानेर में। कोलायत मेला बीकानेर। नवरात्रि मेला देशनोक बीकानेर। जसनाथ जी मेला कतरियासर बीकानेर। मसानिया भैरव धाम मेला राजगढ़ अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अजमेर में। इसके बाद राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में। परशुराम मेला राजसमंद में। जल जूझनी मेला राजसमंद। गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा। भैरव जी का मेला बांसवाड़ा। दशहरा मेला बांसवाड़ा। सीता माता मेला प्रतापगढ़। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़। शैली हनुमान जी मेला प्रतापगढ़। अंबा माता मेला प्रतापगढ़। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर। चावंड माता पशु मेला उदयपुर। दशहरा दीपावली मेला उदयपुर। नवरात्रा मेला मेहरानगढ़ जोधपुर। बाबा रामदेव मेला रामदेवरा जैसलमेर। श्री कल्याण जी महाराज डिग्गी पदयात्रा मेला टोंक। पशु मेला मांडकला टोंक। तिलंसवा महादेव मेला बीलवाड़ा। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर। मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर। शीतला माता मेला बाड़मेर। रानी बटियानी जी का मेला बाड़मेर। पशु मेला धौलपुर। तीर्थराज मच्छकुंड मेला धौलपुर। तो ये मेले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करें, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे। पहला फैक्ट क्या है, राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसमें एक शिलान्यास किया है, किसका, देव नारायण पैनोरमा का। दूसरा फैक्ट पता होना चाहिए कि मछली एक्वेरियम अंडर द सन कहाँ पे है, उदयपुर में है। तीसरा, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। छनेरी पनेरी देवालय झालावाड़ में। रामगढ़ का किला बारा में है। सूर्य मंदिर बूढ़ा दीत कोटा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। सेठानी का जोहड़ा चूरू में है। मीनार युक्त कूप बुटिया चूरू में है। सरवाड़ किला अजमेर में है। सफ़ेद महल भरतपुर में है। किशोरी महल भरतपुर में है। कुम्हेर महल भी भरतपुर में है। अंजनी माता का मंदिर करौली में है। खेड़ापति बालाजी फागी जयपुर में। शिखर महल करौली में। तिमनगढ़ किला करौली में है। मालकोट दुर्ग मेड़ता नागौर में है। 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है। बाबू जी का मंदिर कोल्लू जोधपुर में है। राणा सांगा पेनोरमा खानवा भरतपुर में है। नेक्स्ट, अगर कुछ बजट की बात कर लें तो 2021-22 में 500 करोड़ रुपए की राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया था, और अब इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, लोक कलाकारों को जो दिए जाने वाला मानदेय है वे अन्य भत्ते हैं, उसमें 25% की क्या कर दी गई है, वृद्धि की गई है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड पर राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, एक ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है, अगर हम बात करें 1 मई 2020 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व पर 13वें वेबिनार का आयोजन किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि वेबिनार का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इकोलॉजी पार्क कौन सा है, तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजी पार्क का विकास किया जाएगा, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि शौर्य उद्यान कहाँ पे बनाया गया है, तो शौर्य उद्यान जो है वो झुंझुनू के दोसासर में बनाया गया है, जो देश का क्या है, पहला शौर्य उद्यान है। ठीक है, शौर्य उद्यान कहाँ पे है देश का पहला, झुंझुनू के दोसासर में। और लास्ट हमारा फैक्ट क्या है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का परियोजना। पहले तो इसमें AMU कब हुआ यूनेस्को के साथ, 2019 में, और इसमें 4 जिले शामिल हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। और बीकानेर में 10 नए सांस्कृतिक पर्यटन स्थल विकसित करना है, मतलब ये जो 4 जिले हैं इसमें नए पर्यटन जो स्थल हैं उनको विकसित करना है, और इससे 1500 कलाकारों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और परियोजना की लागत कितनी है, 7.5 करोड़। बस आपको लागत पता होनी चाहिए, 7.5 करोड़ है, और योजना कौन सी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परियोजना, राजस्थान में इसको स्टार्ट किया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और पूरी की पूरी जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो वाला पार्ट हमने 1 बाय 1 वीडियो से कंप्लीट कर दिया। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।